राहुल जी, आपने इस यात्रा के दौरान सबसे बड़ा अटैक एक तो बीजेपी पे किया है और दूसरा मीडिया पे किया है, फोर्थ पिलर है डेमोक्रेसी का। इस पे मेरा सवाल ये है कि मान लीजिए कांग्रेस सत्ता में आती है और आप प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो जो ये नेशनल टीवी पे जो आजकल जिसको आप गोदी मीडिया का नाम देते हो, तो उस पे हिंदू मुस्लिम का एक चलता है आपस में, आप बोलते हो कि भारत को बांट रहे हैं वो, तो क्या आप उस पे रोक लगाएंगे? और क्या आप बोल रहे हो कि मीडिया गुलाम है, क्या आप भी उनको अपना गुलाम बना लोगे फिर? वो गुलाम नहीं मानेंगे, आजाद मानेंगे। नहीं 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 नहीं, देखिए नहीं, मैंने गोदी मीडिया तो कभी नहीं कहा है, वो मेरा फ्रेज नहीं है। मैं ये जरूर कहता हूं कि मीडिया को कंट्रोल किया जाता है, मीडिया पे प्रेशर डाला जाता है। मैं ये भी कहता हूं कि जो आप जैसे रिपोर्टर्स हैं, आपकी इतनी गलती नहीं है, आपको आप पर कंस्ट्रेंट्स हैं, आपके जो मालिक आपको कहते हैं वो आपको करना पड़ता है, और जो आपकी भावनाएं हैं उनको मैं समझता हूं, क्योंकि आप आके मुझे बोलते हो जो आपको देश के बारे में लगता है, मैं जानता हूं। तो मैं आपकी क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूं, जो मीडिया का स्ट्रक्चर है उसकी मैं क्रिटिसिज्म कर रहा हूं। कांग्रेस पार्टी की फिलॉसफी इंडिपेंडेंट मीडिया की फिलॉसफी है, कांग्रेस पार्टी की फिलॉसफी इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस की फिलॉसफी है। मैं आपको बताऊं, अगर कांग्रेस पार्टी ये करना भी चाहे कि हम मीडिया को, मतलब जैसे आपने कहा, अपना बना दो, हमारे में वो कैपेबिलिटी नहीं है, हम उसको इंप्लीमेंट ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर उतना सेंट्रलाइज नहीं है बीजेपी जितना। तो हम इंडिपेंडेंट मीडिया चाहते हैं, फेयर मीडिया चाहते हैं, और जो मीडिया में नफरत फैलाई जाती है और वो फैलाई जाती है, और जो मीडिया डिस्ट्रैक्शन का रोल प्ले कर रहा है, जैसे मैंने अपने भाषण में कहा था, जब कोई जेब कतरा आता है तो अकेला नहीं आता, दो तीन लोग आते हैं, एक ध्यान को उधर ले जाता है और फिर जेब काटी जाती है, तो इनएडवर्टेंटली वो आप रोल प्ले कर रहे हो, आप लोग नहीं बट आपका जो स्ट्रक्चर है, आप लोग डिस्ट्रैक्ट करते हो, आप लोग कहते हो देखो हिंदू मुस्लिम, ऐश्वर्या राय, शाहरुख खान, बॉलीवुड, तेंदुलकर, उधर देखो, और इधर मतलब किसान की लूट हो रही है, छोटे व्यापारी मारे जा रहे हैं, इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है, तो आपका रोल डिस्ट्रैक्शन का रोल है, आपका रोल वॉचडॉग का रोल होना चाहिए। जैसे हमने ये जो आंकड़े लगाए हैं, इसके बारे में आपने कोई सवाल ही नहीं पूछा। एक्चुअली ये सबसे जरूरी सवाल है, ऐश्वर्या राय से, शाहरुख खान से, ये जरूरी सवाल है, मगर आप लोग ये पूछते नहीं हो, आपकी गलती नहीं है, शायद आप पूछते, अगर आप पे आपको छूट दी जाती है आप पूछते, बट योर रोल इज दैट ऑफ अ वॉच डॉग, एंड व्हाट आर द टाइप ऑफ इश्यूज यू शुड बी रेजिंग, फार्मर्स इश्यूज, एम्प्लॉयमेंट इश्यूज, अखबार में एम्प्लॉयमेंट की बात तो पढ़ने को नहीं मिलती, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात तो सुनाई नहीं देती, लुधियाना में जो मतलब पूरा इंडस्ट्री खत्म हो गई उसके बारे में सुनाई नहीं देता। तो दैट इज द टाइप ऑफ मीडिया वी वुड लाइक, अ मीडिया दैट पुट्स प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट ऑन की इश्यूज। यू आर फॉर अ कांग्रेस गवर्नमेंट, यू आर फीडबैक चैनल, वी वॉन्ट यू टू गिव अस प्रेशर ऑन इंपॉर्टेंट थिंग्स, ऑन थिंग्स लाइक इनकम इनइक्वालिटी, ऑन थिंग्स लाइक हेट्रेड, ऑन थिंग्स लाइक एंगर, ऑन थिंग्स लाइक farmers, on things like unemployed youngsters. That's your role, and that's the role we would like you to play.